तो हेलो दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल तो हमने पिछले वीडियो में सीरीज़ पावर सीरीज लॉरेंट सीरीज ये सारी सीरीज़ ख़त्म कर ली हैं एंड उसके बाद हमने सिंगुलैरिटी वाला टॉपिक खत्म किया जैसे देख सकते हो टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़ सब हमने कर लिया है इस वीडियो में हम क्या करेंगे रेजिड्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रेडिज रेजिड्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे गेट में नेट में और जैम में तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करो एंड इस ये वाले टॉपिक से आने से पहले तुमको सिंगुलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए एनालिटिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए लॉरेंट सीरीज के बारे में पता होना चाहिए तो ये सारी वीडियोस पहले आके देखो एंड ये मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज बुक मार्क कर लो देन इस वीडियो को आके देखो तो हम इसमें शुरू करेंगे रेजिड्यूस तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ तो सेल्फ गोपाल गोयल आई एम कर्नली वर्किंग एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर एंड आई हैव डन एम एस सी फ्रॉम आई आई टी बॉम्बे तो अभी शुरू करते हैं अपना टॉपिक Residue of complex function. Residue कुछ भी नहीं है जो एन और बी एन जो दो कॉफिशन पढ़े थे उसमें जो बी एन होता है उसका फर्स्ट टर्म मतलब वन जो होता है वही रेजिड्यू कहलाता है जैसे कि मान लो पहले मैं तुमको समझा देता हूँ एक कोई भी डोमेन है या फिर कोई भी आ, रीजन है सर्कुलर रीजन मान लो इसका रेडियस है आर एंड इस रीजन में कोई एक पॉइंट है मान लो सेंटर पे कोई पॉइंट है जो कि पॉइंट एक एनालिटिक पॉइंट नॉन एनालिटिक पॉइंट है मतलब सिंगुलर पॉइंट है तो ये पॉइंट एक सिंगुलर पॉइंट है जेड इक्स टू ए इसकी रेडियस मान लो छोटे वाले सर्किल की आर है तो जेड इक्स टू ए पे एक पॉइंट है जो कि है नॉन सिंगुलर पॉइंट है तो इस कंडीशन में जो लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन होता है ना तो इसको मैंने काफ़ी छोटा बनाया तो ये को थोड़ा बड़ा ही बना सकते हो मैं बताऊंगा क्यों मैंने छोटा बनाया इसका रीज़न है तो यहाँ पे हम लॉरेंट सीरीज़ को लिखते हैं समेसन एन एक्स टू जीरो टू तो इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू तो तो पावर एन प्लस समेसन एन एक्स टू वन टू इन्फिटी बी एन जेड माइनस ए टू दावर माइनस एन तो ये होती है हमारी लॉरेंसरी एक्सपेंशन तो अब जो हमारा वन होगा जो हमारा बी वन होगा बीवन एक बीवन जो कॉफिशियंट होगा वही कहलाएगा हमारा रेजेड्यू वही कहलाएगा हमारा रेजेड्यू एट जेड इक्व टू तो बी वन निकालेंगे कैसे एफ जेड इक्व टू जो ए होगा वो बी वन होगा विच इज वन अपॉइंट टू पाई ए

लॉरेंट uh, सीरीज़ में जो सेकंड टर्म की सीरीज़ है उसका फर्स्ट कॉपिशन जो बी वन होता है वैसे को रेजिड्यू बोलते हैं बस अभी तक तो, अभी तुम तो, तो इतना ही समझो हम रेजिड्यू निकालना सीखेंगे उसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे क्यों काम आता है रेजिड्यू क्यों हम ये सब रेजिड्यू निकालना सीख रहे हैं तो अभी के लिए रेजिड्यू निकालते हैं तो इसमें हम रेजिड्यू निकालने के लिए केसेस पढ़ेंगे कि किस केस में कौन सा फार्मूला uh, लगाना है रेजिड्यू निकालने के लिए तो हम पढ़ते हैं केस वन अब केस में क्या है मान लो तुम्हारा तो फंक्शन है जिसका सिंपल पोल्स है, है ना तो केस हम करते हैं सिंपल पोल सिंपल पोल इन द सेंस लेट्स सपोज एग्जांपल इज जेड अपॉन जेड माइनस और क्या कर सकते हैं मान लो मल्टीपल भी हो सकता है जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस थ्री टू जेड माइनस फोर इसमें सिंपल पोल है यहाँ पे जेड थ्री का पोल है यहाँ पे थ्री फोर का पोल है तो ए, ऐसे जब Uh, अपने पास कॉम्प्लेक्स uh, फंक्शन होंगे तो उनका जो रेजिड्यू होगा वो होगा रेजिड्यू ऑफ एफ हम इसको लिखेंगे रेजिड्यू ऑफ एफ जेड टू ए एक क्या होगा जैसे इस वाले एग्जांपल में तीन होगा ए की वैल्यू तो ये होगा लिमिट जेड टेंस टू देन आएगा जेड माइनस ए एफ जेड बेसिकली लिमिट नहीं होगा हमको रखना होगा मैं ऐसे कर देता हूँ कि जेड जेड इक्व ए तो हम ये निकालेंगे और उसमें जेड uh, को ए से रिप्लेस कर देंगे जेड की ए रख देंगे तो ये होगा हमारा रेजिड्यू वैन देर इज ओनली सिंपल पोल्स ओके अब इसी में दूसरा पार्ट क्या होगा कि मान लो हमारा एफ जेड जो है ऊपर नीचे दो फंक्शन है क्या क्या फंक्शन है फाइव जेड और नीचे है साई जेड अब मान लो तुमने आ, नीचे नीचे वाले इक्वेशन में ए रखा लेकिन जो ए है हमारा फाइव ए जो है हमारा जीरो आ गया मान लो तो ये अंडरफाइन हो जाएगा है ना तो फाइव ए जीरो आ गया तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है एफ जेड इक्व टू ए निकालने के लिए अपन ऊपर वाले में ए रखेंगे और नीचे करेंगे साई प्राइम ए मतलब नीचे वाले का सिंगल डेरिवेटिव कर देंगे ओके okay, तो क्या कंडीशन है? मान लो नीचे जीरो आता है तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा उस केस में अपन पहले डेरिवेटिव करेंगे देन ए उसमें रिप्लेस करेंगे तो आई होप ए क्लियर होगा पॉइंट अब बी बी पॉइंट यदि हमारे में जो पोल्स हों सिंपल ना हो मल्टीपल ऑर्डर के पोल हों तो मैं लिख देता हूँ पोल्स ऑफ ऑर्डर एंड एन एथ ऑर्डर का पोल होगा तो रेजिड्यू कैसे निकालेंगे रेजिड एफ एफ डेट इक्व टू ए तो इसका फॉर्मूला वन वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल डी एन माइनस वन अपॉन डी एन डी जेड टू दावर एन माइनस वन तो डेरिवेटिव करेंगे किसका जेड माइनस ए टू दावर एन एफ जेड का देन ये होने के बाद अपन जेड इक्स टू ए रिप्लेस कर देंगे जेड जगह ए रिप्लेस कर देंगे तो ये होगा मल्टीपल पोल्स मतलब पोल्स ऑफ ऑर्डर एन के लिए ओके अब तीसरा केस तीसरा केस क्या होगा कि ये रेजिड्यू निकाल लो मान लो अपने, अपने को रेजिड्यू एट जेड इक्स टू पे अब जो इनफिनिटी पे रेजिड्यू होगा उसका फॉर्मूला होगा एफ रेजिडी जेड टेंस टू इंफिनिटी इक्व टू माइनस जेड एफ जेड यहां पर हम रखेंगे जेड टेंस टू इंफिनिटी तो ये होगा हमारा इंफिनिटी वाला सेम ही है बस इसमें माइनस और आता है बाहर तो ये तुम याद करो तो इसमें कुछ नहीं है जेड माइनस ई का मल्टीप्लाई करना है फंक्शन के साथ और जेड की जगह ए रिप्लेस करना है इसमें वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड करना है देन डिफ्रेंशिएट करना है टू पावर एन माइनस वन एट टाइम तक देन जेड को ए से रिप्लेस करना है और इसमें जेड का मल्टीप्लीकेशन करना है माइनस जेड का मल्टीप्लीकेशन करना है देन जेड टेन्स टू इन्फिनिटी रख देना है तो तीनों केस आई होप याद हो जाएंगे तुमको सिंपल ही है और ये अपन ये वाला इंटीग्रेशन जो आगे पढ़ेंगे ये इंटीग्रेशन कैसे आता है और क्या थ्योरम है पहले अपन रेजिड निकालने की क्वेश्चन करते हैं रेजिड्यू कैसे निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं तुम क्वेश्चन दे रखा है क्या है पोल्स दे, पोल्स हमको पता लग गया कि क्या क्या है एक तो जेड इक्व जीरो है एक वन है और एक टू है तीन पोल हैं तो तीन टिव होंगे अब हम हैं पहला एड जेड इक्स टू जीरो तो देखो तो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें सिंपल पोल हो सिंपल पोल वाला ये वाला देन इसमें क्या करेंगे जेड माइनस सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन एफ जेड करेंगे देन उसमें रिप्लेस करेंगे वैल्यू जेड की जगह ए तो ये होगा हमारा वन माइनस टू जेड देन जेड पहले अपन जेड माइनस ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड माइनस जीरो वन माइनस टू जेड अपॉन जेड जेड माइनस वन जेड माइनस टू इसमें हमको रिप्लेस करना है जेड की जगह जीरो तो अब इससे ये कट जाएगा तो अब जेड की जीरो रिप्लेस करो तो क्या आएगा वन अपॉन माइनस वन इन टू माइनस टू तो जाएगा वन अपॉइंट टू तो पहले क्या आ गया वन अपॉइंट टू अब अब रेज निकालते हैं एफ जेड इक्व टू वन का तो ये पहले जेड माइनस वन का मल्टीप्लाईप्लीकेशन करो देन वन माइनस टू जेड फंक्शन जो है हमारा जेड जेड माइनस वन जेड माइनस टू बेसिकली जो भी टर्म है नीचे अनडिफाइन वाली जिससे अनडिफाइन होगा उसको हटाना है कुल मिला के जेड की जगह एक वन रिप्लेस करो तो वन माइनस टू अपॉन वन इंटू वन माइनस टू तो ये हो जाएगा वन एंड रेजिडू ऑफ एफ जेड इक्व टू टू पे निकालते हैं तो जेड माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन करो जन वन माइनस टू जेड अपॉन जेड जेड माइनस वन एंड जेड माइनस टू देन इसको उड़ा दो जेड इक्व टू रिप्लेस करो तो ये होगा वन माइनस फोर अपॉन टू इंटू वन तो ये होगा थ्री दो नेगेटिव में तो ये होंगे हमारे रेजिड्यूस क्या होंगे वन अपॉन टू वन माइनस थ्री बाई टू तो बस यही था कैसे रेजिड्यू निकालना है अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर दो तो ये तो था सिंपल पोल का अभी एक और क्वेश्चन करते हैं चलो एफ जेड दे रखा है हमको जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पोल क्या होंगे इसके प्लस आयोटा ए एंड माइनस आयोटा ए ठीक है पोल तुम निकाल सकते हो नीचे वाले आ, नीचे वाले जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जीरो के बराबर रख दो तो पोल्स आ जाएंगे अब तो ये पोल्स क्या के सिंपल पोल्स ही हैं तो सिंपल पोल्स को करने के लिए क्या करेंगे एफ रेजिडी ऑफ एफ जेड इक्व टू प्लस आयोटा ए इक्वस टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आयोटा ए और जेड माइनस आयोटा ये तो हमारा फंक्शन है अब इसमें हम वन मल्टीप्लीस किसका करेंगे हमने हमने पोल जेड वाला आयोटाई के लिए कर रहे हैं तो जेड माइनस आयोटा ए का देन इसे रखेंगे जेड की वैल्यू आयोटा ए तो इससे ही कटेगा देन बचेगा हमारा जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर की जगह रखो ए का स्क्वायर अपॉन टू आयोटा ए तो आएगा तो आंसर आएगा आयोटा ए अपॉन टू ओके

जेड माइनस आई ए जेड की कीजिएगा माइनस आई ए रिप्लेस करो तो इससे कटेगा माइनस आईटा का ए माइनस आई ए का स्क्वायर अपॉन टू माइनस आई ए देन ये होगा माइनस आई ए अपॉन टू तो ये रेजिड्यूस आ जाएंगे ठीक है तो ये वाला आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो सिंपल है सेम ही तरीका सिंपल बोल निकालने वाला ओके okay. अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन है एफ जेड इक्व टू जेड स्क्वायर ई टू दावर वन अपॉन जेड अब देखो ऐसे क्वेश्चन जिनमें तुमको पोल्स ना पता चले तो तुम क्या करो यदि तुमको एक सीरीज एक्सपेंशन हो तो तुम सीरीज एक्सपेंशन निकालो और वन अपॉन जेड का कॉफिशन ले लो जैसे कि तुम लॉरेंट सीरीज देख सकते हो सीरीज़ में जो बी वन होता है ना उसका डिनोमिनेटर में होता है पावर वन होता है तो इसका जो भी कॉफिशियंट होगा सीरीज एक्सपेंशन में उस वही बी वन होगा तो बी वन ही हमारा रेजिडी होता है तो अपन इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे एफ जेड को एक्सपेंड कर दो विच इजेड स्क्वायर वन प्लस वन अपॉइंट जेड प्लस वन अपॉइंट जेड स्क्वायर टू फैक्टोरियल देन प्लस वन अपॉन जेड क्यू थ्री फैक्टोरियल अब जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करो वन प्लस जेड प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल जेड वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल जेड स्क्वायर तो अब इस सीरीज एक्सपेंशन में वन अपॉन जेड का जो कॉफिशियंट होगा ना कॉफिशियंट वन अपॉइंट जेड वही बी वन होगा उसी को रेजिटिव बोलते हैं एट जेडिकल टू जीरो तो क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री का फैक्टोरियल विच इज़ वन अपॉन सिक्स तो यही आंसर होगा ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है तुमको ये याद रखना है कि एक्सपेंशन हो सीरीज का तो बी वन का कॉफिशियन देखना है बी वन के लिए अपन को एक्सपेंड करना है तो अपने को वन पॉइंट जेड का कॉप्शन मिल जाएगा ओके तो ठीक है क्वेश्चन हो गए एक अपन उसका भी देख लेते हैं चलो कि अपने को मल्टीपोल मल्टीपोल दे रखा हो तो कैसे करेंगे मान लो तुमको एफ जेड दे रखा है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर अब ये है मल्टीपोल मतलब इसका ऑर्डर पोल तो एक ही है जेड इक्व टू वन बस इसका ऑर्डर जो है वो है तो इसका रेजिल्यू निकालेंगे अपन एफ जेड इक्वस टू वन इक्व टू वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल क्या होगा वन का फैक्टोरियल डी एन माइनस वन तो एक ही बार डिफ्रेंशिएशन होगा इन टू जेड माइनस वन का स्क्वायर देन जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर इससे कटेगा और इस पूरे में हमको रखना है जेड की जगह वन तो अब इस जेड स्क्वायर का सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होगा टू जेड टू जेड में रखना है अपने को जेड की जगह वन तो आएगा टू तो ये आंसर होगा ऐसे तो करना है मल्टीपल ऑर्डर वाले पोल्स का कुछ नहीं है बस फार्मूला देखो फार्मूला में सारी वैल्यूज रखो आंसर आ जाएगा तो आई होप रेजिड्यूज क्लियर होगा तुम्हारे लिए तो प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन की जिसकी रेजिट्यू क्लियर हो इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे काजी रेजिटिव थे और हम एंड इंटीग्रेशन करना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एंड इंटीग्रेशन के बाद अपन ये लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन पर इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेस्ट में नेट में गेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गेट में जैम में कमा आते हैं बट और सारे एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं इंटीग्रेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस uh, भी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इंटीग्रेशन कैसे करना है और इम्प्रॉपर इंटीगल्स भी देखेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में इतना ही तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में तो बाय बाय गाइस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो Okay.